नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बोल्ट और उसमें हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं। ब्रास बोल्ट बनाएंगे, उसमें हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं तो पूरा डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, शुरू स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को अपने जो करीबी दोस्त हैं, जो मतलब टेक्निकल फ्रेंड्स हैं, उन तक आप प्लीज़ इसको फैलाएँ ताकि ज़्यादा लोग इसके बारे में, इस चैनल के बारे में जान सकें, ठीक है, और यूनिक वीडियोज़ के बारे में वो नॉलेज ले सकें। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। हम बनाएंगे एक बोल्ट बनाएंगे और उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले आते हैं अपनी सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं और थंबनेल में आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी एक सेक्शन व्यू रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने इसकी डायमेंशन दिखाई हुई है कि ये हमारा इस ऑब्जेक्ट में हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, पूरे ड्राइंग को बढ़िया से रीड करके। तो और देखिए यहाँ पे मैंने इसको और चीज़, ये हमारा जैसे एक हमारा जो स्क्रू जैक होता है, ये उसका एक तरह से स्क्रू है, जो हमारा स्क्रू जैक में हमारा स्क्रू फिट होता है, तो उसका एक स्क्रू है, ठीक है ना। तो एक बोल्ट के मैटर में इसको मैंने आपको समझा रखा बढ़िया से, ठीक है ना, बोल्ट की तरह। तो देखिए इसके अंदर हमारा स्क्वायर पिच इसमें दिया हुआ है 6 का, और इसका जो बॉडी का जो डाया है, मतलब जो हमारा स्क्रू है, इसकी बॉडी का जो डाया है, जिसको मैंने ब्रास बोल्ट दिखाया हुआ है, वो हमारा है 40 का, ठीक है। और इसकी हाइट है हमारी 164 की, ठीक है। और इसके आप देख रहे हैं ऊपर बॉडी पे, मतलब टॉप पे दो चेम्फर लगे हुए हैं 10-10 डिस्टेंस के, और 45 डिग्री इसमें क्या होती है, डिफ़ॉल्ट होती है आपकी। डिफ़ॉल्ट मीन्स पहले से जो मतलब सेट रहता है, मतलब ले के चलते हैं उसको, ठीक है। और इसके अंदर थ्रू होल किया हुआ है 12 डाया का, ठीक है, मतलब थ्रू होल मीन्स आर पार। और एक ऊपर भी होल किया हुआ है, जो आप मतलब जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारा हैचिंग पोर्शन है वो क्या सॉलिड है, जैसे कि आप मतलब थंबनेल में देख रहे हैं, ठीक है ना, कि जो हमारा हैचिंग पोर्शन वो क्या है, मेरा सॉलिड है। और जो हॉलो है वो मेरा मतलब जो मतलब जिसमें हैचिंग नहीं, विदाउट हैचिंग है, वो मेरा हॉलो है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये तो जो बीच में 12 डाया का मेरा सर्कल है वो तो थ्रू होल है, बट जो मेरा ये 12 डाया का सर्कल है ऊपर जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ऊपर 12 डाया का सर्कल है, ये हमें 10 डिस्टेंस तक है। और ये आपको डायग्राम के अंदर गिवन भी है, आप ध्यान से देख भी सकते हैं, इसको बढ़िया से रिप्रेजेंट भी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसको बनाने के लिए हम सब एक्सट्रूड कमांड से बना सकते हैं, ठीक है, और रिवॉल्व से भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या, रिवॉल्व में आप इसका हाफ सेक्शन ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, और इसको रिवॉल्व कर दीजिए, फिर इसके ऊपर थ्रेड लगा दीजिए, तो ये आपका बोल्ट रेडी हो जाएगा। अगर इसको आप एक्सट्रूड कमांड से बनाएंगे तो उससे भी बन जाएगा आपका। देखिए इसमें 40 डाया दिया हुआ है, 40 डाया का सर्कल लीजिए, उसको एक्सट्रूड कीजिए 164, फिर उसके ऊपर थ्रेडिंग लगाइए, फिर उसके टॉप का पोर्शन बनाइए, उसके अंदर आप एक्सट्रूड कमांड लगाइए, चेम्फर लगाइए, ठीक है, ये हो जाएगा तैयार। और इसको अगर आप रिवॉल्व से बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। तो दोनों कमांड्स आपको मालूम चाहिए, तो अभी हम इसको एक्सट्रूड कमांड से बना के हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक्सट्रूड कमांड से बना के इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स आया, इसके अंदर हम प्लेन, तीनों हमारे डिफ़ॉल्ट प्लेन है, पहले हम ये बॉक्स ओपन होकर आया, इस पर क्लिक किया हमने। अब नॉर्मल टू पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये हमारा प्लेन सामने आ गया, अब ठीक है ना, प्लेन हमारा सामने आ गया। अब मुझे सर्कल कमांड चाहिए, तो अब ऑटो कैड की तरह मैं यहाँ पर सी एंटर नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी आइकन दी हुई है सर्कल की, ठीक है ना, सर्कल पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये थोड़ा लेट ओपन। अब यहाँ पे हम इसके ऑरिजिन में क्लिक करेंगे, ऑरिजिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब ये देखिए जैसे हम अपने कर्स मतलब माउस को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये बढ़ेगा इसका, ठीक है ना, जो भी वैल्यू है इसकी बढ़ेगी। अब इसको हम क्लिक कर देंगे, स्टेबल हो जाएगा, फिर एस्केप प्रेस करके इसके टेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे इसके टेक्स्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन होकर आएगा, और वहाँ पर हम इसको इसकी डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको डायमेंशन देनी है 40 और एंटर। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब 40 डाया का मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसको मैंने यहाँ से कमांड से बाहर गया, स्केच को मैं सेलेक्ट करूँगा, मुझे इसको अब करना है एक्सट्रूड बॉस बाय बेस, ठीक है, फीचर में जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस बाय बेस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जब आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग ले रहा है आपका, ठीक है। अब इसकी प्रोसेसिंग में अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फिर से आप देखें एक बॉक्स ओपन हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मैनेजर बॉक्स, ठीक है ना।
अब इसके अंदर इसको हम चाहें तो अपने माउस से, जब उस कर्सर को एरो के पास लेके जाएंगे, ये जो बड़ा सा एरो दिख रहा है आपको, ठीक ना, तो ये देखिए इसको हम यहाँ से इसको हम खींच के रू यहाँ पे एक रूलर आ गया, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक रूलर आ गया। आपको 40 तक करना है, देखिए 41 दिखा रहा है, मुझे करना है 40 तक, सॉरी 164, मतलब ठीक ना, वैल्यू दी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, 40 तक करना है, यहाँ 40 तक हो गया आपका, देखिए 40 वैल्यू आ गई आपकी, ठीक ना। बट अगर आप मैनुअली करना चाहो तो यहाँ से 164 एंटर, ये होगी आपकी डेप्थ वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा कीजिए, माउस के रोल से स्क्रॉल कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके इसको आप मिड में लेके आइए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 164 का हमारा हो गया ना, ठीक। अब इसका मैं ऊपर का पोर्शन बनाता हूँ, ठीक ना, किस क्या बना रहा हूँ, ऊपर का पोर्शन बनाता हूँ, इसके इसके फेस पे हम उसको ड्रा करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर के पोर्शन को हम इसके फेस पे ड्रा करेंगे, तो फेस में क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं नॉर्मल टू बॉक्स ओपन होकर आ गया, नॉर्मल टू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा माउस से, माउस का रोलर को इसको जूम इन करूँगा और स्केच पे जाते हैं हम, ठीक है। फिर सर्कल आइकन क्लिक करेंगे, अब मुझे एक सर्कल ड्रा करना कितने का, 65 डायमीटर, ठीक है। इसको यहाँ भी क्लिक कर दो, कोई बात नहीं, आपको बस डायमेंशन दे देनी है 65 एंटर। बट हमेशा मैं तो कहूँगा कि नियर बाय वैल्यू पे ही आप जाए कि इसने उस, ठीक है ना। जैसे आप इसके अंदर आर्क कमांड यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर नियर बाय वैल्यू का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से कमांड से बाहर जाते हैं, अब क्या करेंगे हम, जो मैंने स्केच ड्रॉ किया उस स्केच को सेलेक्ट करूंगा, फीचर्स में जाऊंगा, मुझे इसे क्या करना है, सॉलिड करना है, बॉस बेस, बॉस बाय बेस आइकन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसकी डेप्थ वैल्यू मुझे कितनी रखनी है, दी हुई है मुझे, देखिए 50 तो ये है और दो चेम्फर डिस्टेंस है मेरी 10-10 की, यानी 20-50-20-70 और ये 10 की डेप्थ वैल्यू ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो नहीं सॉरी दोस्तों, ये तो ऊपर लगा हुआ है, उसको हमें करना है 70 तक, ठीक है। तो 70 एंटर, ठीक है, 70 एंटर हो गया आपका, एंड देन ओके। अब मुझे फिर से इस फेस पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो इस फेस पे सेलेक्ट करता हूँ मैं, नॉर्मल टू करूँगा, फिर से मुझे एक सर्कल लेनी है, ठीक है। अब इस सर्कल को आइकन पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्लिक कर देंगे, और इसका डाय कितना है मेरा, 12 का डाय है, सॉरी 12 डाय, ठीक है ना, देखिए छोटा वाला जो मतलब होल हो रखा है मेरा 12 डाय का, और उसके अंदर 10 की डेप्थ है आपकी, ठीक है। 12 डाया, हाँ सॉरी 12 डाय अंदर का हो रखा है, इसको पहले हम 22 डाया, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, पहले हम 22 डाया का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको हम ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे हम स्केच सेलेक्ट करेंगे, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस, और कितनी है ऊपर तक जाएंगे हम इसको, 10 तक, ठीक 10 तक ले जाएंगे, एंटर। अब देखिए यहाँ पे हम दोबारा इसकी फेस पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल टू ऑप्शन स्केच पे जाएंगे, सर्कल आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन इसको हम कितना देंगे, 12 डाया, एंटर, और स्केच पे फिर सेलेक्ट करते हैं, इसको इस फीचर में जाएंगे, इसको हमें क्या करना है, कट करना है, एक्सट्रूड कट, ठीक है। अब इसको कट 10 की डेप्थ तक, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब लास्ट हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर ये थोड़ा टेपर्ड सा हम देख रहे हैं, इसके जो एजिस हैं वो टेपर्ड हैं, तो हम टेपर्ड के लिए क्या करेंगे, चेम्फर कमांड का यूज़ करेंगे, जो होती है बेबल कट, मतलब एक स्लोपी कट होता है आपका, तो हमें स्लोपी कट कैसे मिलेगा, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिलेट के आइकन पे क्लिक, मतलब यहाँ पे जो एरो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको अपीयर होकर आएंगे, तो हमें चेम्फर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं चेम्फर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट सेट है, ठीक है ना, कि मैंने प्रीवियस में ले रखा था, डिस्टेंस 10 है और एंगल तो आपका बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री रहता है, ठीक है ना। अब मुझे ऊपर लगाना है, डायग्राम में देख रहा हूँ, मुझे ऊपर लगाना है और नीचे वाले पोर्शन में लगाना है, ठीक है। देखिए गलती से इधर भी क्लिक हो गया, ठीक है, इसीलिए रोट करके देखते हैं हमेशा इसको, ताकि वो बढ़िया से आपको व्यू दिखे उसका, ठीक है ना, एजेस दिखें जिस ऑब्जेक्ट पर आपको क्लियर करना है, तो माउस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपका ये बॉडी हेड तैयार हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर 12 डाय का एक होल हो रखा है, तो इसके ये क्या हो रहा है, ये मैं इसका सेक्शन व्यू देख रहा हूँ, ठीक है ना, सेक्शन व्यू में दिख रहा है मुझे कि ये 12 डाय का होल हो रखा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी प्लेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी, टॉप नहीं, राइट प्लेन, राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल टू करेंगे, ठीक। अब स्केच पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्कल लेंगे और इसको रैंडमली हम इसको यहाँ पे, इसको मिड में है तो
यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 12, सॉरी डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे रखेंगे 12 एंटर, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देंगे। अब देखिए ये मेरा 12 डाय क्या है, इसके मिड में है, तो इसको मिड में करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे मालूम है, इस पहले मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आपकी डायमेंशन आपकी दी है, देखिए 50 का है, ठीक है ना, तो हम इसको रखेंगे 25, जिससे कि ये इसके सेंटर में आ जाए, ठीक है। और बाकी हमने इसको सेंटर में तो वैसे ऑलरेडी कर ही रखा था, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ से इसको हम बाहर जाते हैं, स्केच को सेलेक्ट करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आता है, ठीक है ना, ब्लाइंड का, ठीक है ना। अब मुझे इसको करना है थ्रू ऑल बोथ, तो इसको मैं थ्रू ऑल बोथ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको हम एरो से इसको हम खींच देते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये थ्रू ऑल बोथ। अब देखिए ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, थ्रेडिंग करनी है, तो मैं थ्रेडिंग के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके फीस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, किस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फेस पे क्लिक करेंगे नॉर्मल टू, ठीक। अब स्केच पे जाएंगे, सर्कल कमांड लेंगे, ये हो गया आपका। अब स्केच को हम सेलेक्ट करते हैं, फीचर पे जाएंगे, इसका प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, ध्यान से देखना, कॉप्स में जाएंगे। अब मुझे इसके अंदर हेलिक्स एंड स्पायरल, मतलब एक प्रोफाइल बन जाएगी आपकी, मतलब प्रोफाइल की तरह, ठीक है ना, हेलिक्स एंड स्पायरल, इस पर जाएंगे हम। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें पूछता है पिच एंड रिवॉल्यूशन, मुझे पिच मालूम है इसकी, कितने की पिच रखनी है मुझे, 6 की रखनी है। हाइट मालूम है मुझे इसकी कितनी, 164, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा हाइट एंड पिच पे, जो जो मुझे मालूम होगा। तो यहाँ से मैं पिच वैल्यू, इसकी हाइट पहले एंटर करता हूँ, मान लीजिए हाइट है मेरी 164, एंटर कर दूंगा, और पिच वैल्यू मेरी कितनी रखनी है मुझे, 6 की रखनी है, तो यहाँ से इसको मैं एंटर कर दूंगा, एंड देन रिवर्स डायरेक्शन, एंड देन ओके, ठीक है। अब देखिए ये तो मेरा पाथ बन गया, ठीक है ना, एकदम पाथ बन गया। अब मुझे क्या करना है, प्रोफाइल बनानी, तो प्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मिड प्लेन जो मैंने आपको बता रखी थी, नॉर्मल टू करेंगे। अब यहाँ से स्केच पे जाएंगे और इसको मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, प्रोफाइल हम क्या करेंगे, पिच से छोटी छोटी बनाएंगे। अब पिच वैल्यू हमें दे रखी है 6 की, ठीक है ना, बट ये स्क्वायर पिच है, तो हम यहाँ से हम सर्कल की जगह रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। और रेक्टेंगल को आप लोग ध्यान से इसके कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल लिया था मैंने, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कितना बनाएंगे, 6 का है, 6 की स्क्वायर पिच दे रखी है, ठीक है, तो इसको हम, मतलब जो प्रोफाइल है हमारी वो हम बनाएंगे 3 की, ठीक है, स्क्वायर पिच 6 की, तो प्रोफाइल हमारी 3 की, ठीक है, 3 एंटर। और इधर भी हम, क्योंकि रेक्टेंगल की आपकी लेंथ एंड विड्थ होती है, ठीक है ना, तो हमारी ये लेंथ हो गई वाई डायरेक्शन, और विड्थ इसकी हम बनाएंगे, ये भी हम रखेंगे 3 की, एंटर करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ से बाहर जाएंगे, फिर हम स्केच को सेलेक्ट करेंगे, और बहुत ही स्मूथली और फास्ट, ध्यान से वर्क करना आपको, स्वीप कट। अब हम कौन से आइकन पर क्लिक करेंगे, स्वीप कट के ऊपर। अब जैसे हम स्वीप कट आइकन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होके आते हैं आपके, प्रोफाइल एंड पाथ। तो प्रोफाइल हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अब हम क्या करेंगे, पाथ को सेलेक्ट करेंगे। पाथ क्या है हमारा, ये इसको हमने क्लिक कर दिया। अब ये प्रोसेस ले रहा है, इसको थोड़ी देर रुक जाइए, देख, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये आपका लग गया थ्रेडिंग, ठीक है। अब जैसे जो आप प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे उस टाइप में आपकी ये थ्रेडिंग होगी, ठीक है ना। अब मैंने ये क्या नाम है, स्क्वायर ड्रॉ किया होता है तो स्क्वायर टाइप में लगा, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा तो ट्रायंगल टाइप में, सर्कल टाइप में, ठीक है ना, सर्कल ड्रॉ करूँगा तो सर्कुलर टाइप में, तो इसलिए यहाँ पर इधर का स्क्वायर पिच, ठीक है ना आपका। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पर और भी अदर ऑप्शन आ रहे हैं, बट अभी इसका हमें यूज़ नहीं करना, यहाँ से हम इसको ओके करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक स्क्रू ड्रॉ हो गया, मीन्स ब्रास बोल्ट, जो मैं मतलब मैंने टाइटल में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको मुझे ब्रास का कलर करना है, ठीक है ना, मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपीयरेंस सीन्स एंड डेकल्स में जाऊँगा। अब अपीयरेंस सीन्स में जाता हूँ तो आपका ये, अब देखिए मुझे इसको मेटल, मुझे ब्रास कहाँ मिलेगा, मेटल में मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेटल का ऑप्शन भी आता है आपका,
अब यहाँ से मुझे ब्रास पे मैं आइकन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ब्रास के बहुत सारे टाइप यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो मैं कोई सा एक टाइप ब्रश टाइप पिक करता हूँ, क्लिक करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रास पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अदर ऑप्शन ओपन होते हैं। आपको फेस पे करना है, बॉडी पे मतलब बॉस एक्सट्रूड पे करना है, पूरी बॉडी पे, मुझे पूरी बॉडी पे करना है, पूरी बॉडी पे मैंने क्लिक कर दिया एंड देन ओके, और ये आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका शेडेड में दिख रहा है, अगर मुझे इसको शेड हटानी है थोड़ा और, मतलब देखिए, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं इसको आप बढ़िया से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। तो धन्यवाद इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए।